तो ही गेमर गैंग, स्वागत है तुम सभी का एक और ब्रांड न्यू पबजी द मोबिलिटी की हिंदी वाली गेम प्ले वीडियो में। और इसमें तुम्हारे भाई ने यार क्या ही बेवकूफ़ी करी है, एक टाइम के लिए तो तुम भी बोल दोगे भैया अद्भुत। अब यार चलो अपना लगाते हैं इंट्रो और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कैसे हाय 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 हाय, बस यही तो सोचता हूँ यार, उतरते ही गन मिल जाए और कोई निहत्था बंदा मिल जाए, मतलब अपनी सारी भड़ास उतार दो उसी के ऊपर। जितने भी पिछले 3-4 गेम प्लेज में हारे रहते हैं, मतलब निहत्थे बंदे ही मिलते हैं यार, निकाल दो सारी भड़ास, है ना। और एक चड्डीधारी व्यक्ति भी मिल जाता है, जो कि यार डीपी लूट कर पता नहीं क्या कर रहा था, और नीचे बहुत गंदी भसड़ मच रही है। और अब मेरे को यहाँ पे एस्ट्रल के मिलने वाली है, जो कि मैं यार सोचता हूँ कि नहीं उठाता हूँ, लेकिन एकदम से जब मैं अपना बीता कल याद करता हूँ ना, मेरा दिमाग हो जाता है ख़राब। भैया मैं तो उठाऊँगा, चाहे दिन हो जाए या रात हो जाए, चाहे धरती उल्टी हो जाए या चाहे धरती सीधी हो जाए, नहीं चाहे आकाश पाताल हो जाए, मैं तो एस्ट्रल के उठाऊँगा। अब जैसे ही नीचे कूदता हूँ यार, दो बंदे मिल जाते जो कि रिवाइव खेल रहे होते हैं। अब देखो तुम लोग में से कुछ लोग बोलोगे कि भैया एस्ट्रल के मत यूज़ किया कर, इससे तो कोई बंदा भी चिकन डिनर निकाल लेगा। लेकिन यार क्या करें, नहीं मतलब करे तो करे क्या, जब पूरी की पूरी स्क्वाड एस्ट्रल के यूज़ कर रही होगी, मतलब तुमको इसका जीता जागता उदाहरण आगे मिलने वाला है। अब फिलहाल एक और बंदा यहाँ पे होता है, जो कि ना यार पीछे की तरफ टीपी ले रहा होता है, मतलब बहुत गंदे तरीके से। अब मुझे पता चल गया था कि यार सामने वाला बंदा ना बहुत ज़्यादा ढीठ है, तो इसको फंसाने के लिए यार कुछ इसके साथ स्कैम करना पड़ेगा। अब स्कैम से याद आया यार, मैं अपने इंस्टाग्राम में ऐसे स्कैम से भरे हुए छोटे छोटे क्लिप डालता रहता हूँ, तुम लोगों ने फॉलो किया या नहीं, अगर नहीं किया तो यार जाकर फॉलो कर लो, लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर कर लिया है तो भैया मज़े लो यार, बस और क्या। अब मैं बंदे के ऊपर फ्लैंक मार देता हूँ, नहीं टैलेंट देख रहे हो हमारी क्वीन का, मतलब वो जो है ना फैक्ट्री के अंदर खड़े होकर हमको कवर दे रही है वहाँ से, इतने में बंदा मेरी पेटी बनाकर चला जाएगा और वो हमको कवर देती रह जाएगी। अब यार वो बंदा भी ना दिख चुका है सामने, और यार भाई साहब अकेले होते हैं, लिटरली इनके पास बहुत जहर चीज़ होती है, M24 होती है यार। मैं सोचता हूँ उठा लेता हूँ, लेकिन ना फिर याद आता है अभी भैया बहुत गंदे स्कैम होने वाले हैं इसमें मेरे साथ, अगर M24 उठा ली तो क्लोज रेंज फाइट मतलब ले ही नहीं सकता। तो लॉन्डो M24 को टाटा बाय बाय करते हैं और यार सीधा आ जाते हैं अपनी महंगी वाली गाड़ी उठाकर ड्रॉप के पास। एंड ड्रॉप में से सिर्फ यार हेलमेट वेस्ट सही मिलता और बाकी कुछ भी अच्छा सा चीज़ नहीं मिलता, तो हेलमेट वेस्ट उठा लेते हैं। और RPG पड़ी होती है, मैं क्वीन को बोलता हूँ कि यार RPG की एमओ उठा ले, RPG छोड़, ताकि बंदा अगर RPG उठा भी लेना तो उसके पास सिर्फ एक ही चांस हो। अब फिलहाल यार सिंह डेल्टा में ना बंदों ने फ्लेयर मंगा रखे, तो अपनी गाड़ी उठा लेते हैं और ये अंदर तो बैठ जाए पहले, जैसे ही अंदर बैठती है सीधा ड्रॉप पे ले चलते हैं, और वहाँ पर तुमको जीता जागता नमूना मिलेगा कि यार क्यों मैंने किस लिए एस्ट्रल के उठाई थी, क्योंकि वहाँ पर जो स्क्वाड होती है ना उनके लिटरली सारे बंदों के पास एस्ट्रल के ही होता है। आवाज़ सुनी यार तुमने एस्ट्रल के की, मेरा तो कतई दिल धक धक करने लगा था कि भैया बचूंगा या नहीं बचूंगा यहाँ पे। अब इनका एक लास्ट टीममेट जो होता है वो बेचारा ऑफलाइन पड़ा होता है, अब देखो यार ग्रोजा क्वीन के लिए ग्रोजा छोड़ देते हैं और अपन उठा लेते हैं AWM। देखो पहले मैंने नहीं उठाई थी क्योंकि यार मेरे को लगा था लॉन्डो एस्ट्रल के बहुत जरूरी है, और यार ऐसा होता भी है आगे एक और स्क्वाड मिलने वाली है जिसमें कि सारे बंदे अगेन एस्ट्रल के यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन उनको AKM से जो ही भरते हैं भाई देखने लायक होता है, वो देखकर तुम जरूर से लाइक कर देना वीडियो को। अब पहुंच चुके हैं सेंट्रल रोड और यहाँ पे मिलती है हमको एक गाड़ी जो कि पहले ही दिख चुकी थी आते हुए यहाँ पे, और एक और बंदा यार होता है यहाँ पे जो कि एस्ट्रल के यूज़ कर रहा होता है, बट इसे तो यार क्वीन अपनी नॉक कर देती है, लेकिन
पहले तो एक ही बंदा दिखा था, अब यहाँ पर धीरे धीरे करके इसकी पूरी स्क्वाड आ जाती है। और ये तो यार कुछ भी नहीं है, अभी इसके बाकी के और जो टीममेट है ना वो भी S12 के ही यूज़ कर रहे होते हैं। यहाँ पर होता है एक लौंडा जो कि यार फिन को कर देता है नॉक। अब इस लौंडे को मैंने बहुत गंदा डैमेज दिया था, ये जाकर सीधा करके छत में घुस जाता है। मैं भी पहले सोचता हूँ कि घुस जाऊँ, लेकिन यार फिर फुटस्टेप आते हैं और एक बंदा मुंह पे ही बैठा रहता है। पहले सोचता हूँ कि एक तो छोटी सी गलती करे ये बंदा, फिर यार घुसते हैं। अब मैंने सोचा था एक ही बंदा होगा और एक वो बंदा जिसको मैंने डैमेज दे रखा था, लेकिन ऐसा नहीं होता भाई साहब। ऊपर चढ़ते ही मेरे को तीन तीन बंदे मिलते हैं जो कि फटके मेरी 64 हो जाती है। वहाँ पे अपन चुपचाप आ जाते हैं दूसरे वाले घर में और यार इस घर के छत पे चढ़ जाते हैं और यहाँ से उन बंदों का वेट करना स्टार्ट कर देते हैं। और फिर यार ये जो स्क्वाड है ना पूरी की पूरी कैसे रश मारते बस देखना यार, थोड़ी सी शर्म नाम की चीज़ नहीं इन बंदों के ऊपर। मतलब एक एक करके आ जाते, क्या बिगड़ जाता है इनका। नहीं घुसना तो इनको साथ में ही है और यार साथ में आते और साथ में ही जाते हैं, बस देखो क्या हालत होती है इनकी। और लौंडो लाइक नहीं किया क्या अभी तक, लाइक कर दो यार वरना तुम लोगों को ना पीपी बाइजन वाला पेल के जाएगा। और भाई साहब ये दोनों बंदे भी S12 के लेकर घुसे थे, लेकिन यार बना दी पेटी इन लोगों की जैसे तैसे। अब इनका बच रहा लास्ट टीममेट जो कि नीचे की तरफ है, अपन भी कूद जाते हैं नीचे की तरफ एंड वापस ऊपर चढ़ के ना पेटी बनाते हैं उसकी। बस देखो इसी के साथ पूरी स्क्वाड फिनिश हो जाती है। अब आ जाते हैं सेंट्रल रोड से थोड़ा ऊपर की तरफ, नॉट स्टेडियम की तरफ वाला ऊपर, यार इस साइड ओल्ड वाशिंग की तरफ ऊपर वाला। अब यहाँ पर कुछ बंदे मिल जाते हैं जो कि यार फाइट ले रहे थे आपस में एंड किसी की तो पेटी बनाई थी अभी इन्होंने और यहाँ से सीधा जोन में भाग रहे होते हैं। और यहाँ पर डीजे गेमर बहुत ही घटिया स्प्रे देने का प्रदर्शन करता हुआ फिलहाल जो भी था बच गया और एक और गाड़ी आ चुकी है वहाँ पे। अब इन दोनों के बीच में आपस में फाइट होने वाली है जिसका फ़ायदा मेरे को मिलने वाला है। अब जैसे ही वहाँ पर पहुँचता हूँ दो बंदे मिल जाते हैं जो कि ओपन में भाग रहे होते हैं। अब दो को तैयार यहाँ पे नॉक कर दिया। अब बच रहा इनका लास्ट टीममेट जो कि सामने डबल स्टोरी बिल्डिंग के छत पे बैठा होता है। मैं फिलहाल एक नेट कुक करता हूँ जिससे कि यार उसको ना हल्का फुल्का डैमेज ही होता है बस, क्योंकि मेरे नेट तो यार ज़िंदगी में काम नहीं आते कभी। और फिलहाल बंदा हो चुका है डैमेज, तो यार थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट करते हुए ना लगाते हैं बूस्ट स्पीड एंड सीधा चढ़ जाते हैं घर के छत के ऊपर। भाई साहब लौंडा क्या मासूम बन के बैठा हुआ था, एक टाइम के लिए तो इसकी शक्ल देखकर मेरे को लगा कि भाई छोड़ देते हैं, लेकिन फिर पता चला अगर मैंने छोड़ दिया तो यार ये मेरी पेटी बना देगा। अब जो लास्ट बंदा बच रहा है ना उसके साथ यार मज़े लेने के चक्कर में, लिटरली मज़े लेने के चक्कर में पूरा गेम बर्बाद कर देता हूँ। बंदा तुमको दिख चुका होगा यार सामने ही लेटा है नीचे की तरफ। अब पहले तो यार मैं इसको सोचता हूँ AKM से फिनिश करते हैं, लेकिन अब देखना मेरी बेवकूफ़ी। और भाई आ गया स्वाद, मतलब क्या ही बेवकूफ़ी दिखाई यहाँ पे मैंने। मैं मर गया जोन से, बंदे को मिल गया फ्री का चिकन डिनर। खैर छोड़ो यार, आते अपने नेक्स्ट गेम प्ले में जिसको शॉर्ट कट 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 करके ना पूरा गेम प्ले तुमको चिकन डिनर दिखाने वाला हूँ। देखो ये गेम है ना, अगर सामने वाला दया दिखा रहा ना तो तुम भी दया मत दिखाओ, समझ गए। इतने दयालु मत बनो, कहीं से भी कोई भी पेटी बना के चला जाएगा भाई, भरोसा नहीं है इस गेम में किसी का भी। अब फिलहाल मैं स्ट्रगल करता हूँ यार, जो कि मैं हमेशा करता हूँ उतरते ही, मतलब गन नामक चीज़ मिलती नहीं है। आधा घंटा स्ट्रगल करने के बाद जब बंदों के पास S12 के AKM सब कुछ होती है ना, तब जाके मेरे को एक M16 मिलती है। अब फिलहाल अभी तक कुछ नहीं मिला, मैं सोचता हूँ यार पीछे की तरफ भाग लेते हैं। अगर यहाँ पर रहा तो तीन चार बंदों के तो ऐसे फुटस्टेप आ रहे हैं, कब कच्चा निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। अब मेरे को मिल चुकी है AKM, अब सामने की तरफ ना सामने वाले घर पे ही बंदे होते हैं, बस यार चढ़ जाते हैं ऊपर। मेरे को लगा था एक ही बंदा होगा यार, लेकिन अचानक से दो दो बंदे आ जाते हैं और मेरी क्या ही हालत होती है। अब यहाँ पर तुमको 0 HP एक क्लच देखने को मिलेगा बहुत ही तगड़ा सा।
और भाई क्या ही बंदों को नॉक किया इस एचपी में, मतलब मजा सा आ गया कहते। अब क्वीन से सीधा पहले तो मेडकिट मांग लेते हैं यार, क्योंकि इनके बाकी के जो दो टीममेट हैं ना उनका कोई भरोसा नहीं, कभी भी आ सकता है। और मैं क्वीन को बोलता हूँ कि तू ऊपर की तरफ जा, कवर में रह, आखिर रिवाइव देता हूँ तेरे को। और जैसे ही क्वीन रिवाइव हो पाते हैं ना, इनके बचे दो टीममेट वो भी आ जाते हैं यहाँ पे। मेरे को खुद को पता नहीं चलता कब मैं गन पे स्विच करता हूँ यार, कब मेरा पिस्टल पे स्विच हो जाता है भाई, कुछ पता नहीं चलता। लिटरली यहाँ पर बाल बाल बच गए। और फिलहाल यार यहाँ पर तो स्क्वाड की कंप्लीट पेटी बन गई है। तो चलो यार गेमर्स, आज की गेम प्ले में बस यही होने वाला था, दोनों में नो चिकन डिनर। इसमें भी थोड़ा सा मस्त सीन, आगे में एक और स्क्वाड को ठिलाया वो देख कर चले जाना, कति मज़ा सा आ जाएगा। मैं मिलता हूँ यार किसी और नेक्स्ट गेम प्ले में, तब तक के लिए ना इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो करो, लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाय। Yeah, I ain't taking a back seat, I'm passing anybody else who is rapping, I'm nasty. I'm at half speed, I got your girl and she laughing and dancing, hanging on my butt, she